गाइज आज मैं आपको सांभर बनाने का सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। तो गाइज सबसे पहले देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है, बिल्कुल आसान तरीका है, बिना मेहनत के बिना झंझट के। ये देखिए गाइज एक चौथाई कटोरी दाल ले ली है मैंने, फटाफट से धो के लाती हूँ इसको। ये देखिए धो के ले आई हूँ, साथ में पानी भी इसी में डाल देंगे। ये देखिए गाइस साथ में डालेंगे हम आधा पौना गिलास पानी, टोटल मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है। और ये देखिए बची हुई सब्जियाँ, जो भी आपके पास सब्जियाँ घर में आप थोड़ी थोड़ी वो ले आइए, कौन सी सब्जी डालनी है ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, सांभर में सारी सब्जियाँ डल जाती हैं। बिल्कुल थोड़ी सी दाल है तो मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी इसमें, एक टुकड़ा मैं इसमें डाल दूँगी कद्दू का, एक टुकड़ा घिया का, ये देखिए थोड़ी सी फ्रांस बीन है, और ये एक टमाटर, और ये जो झाग आ गया थोड़ा सा जब हम दाल उबालते हैं तो ये झाग होता है, इसको निकाल देना चाहिए। ये जो सारी सब्जियां इसमें डाल देंगे, एक टमाटर भी इसमें हम डाल देते हैं, छोटा सा प्याज डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा नमक, छोटी सी थोड़ी सी लाल मिर्च, ये सांभर मसाला डाल दूंगी मैं डेढ़ चम्मच के करीब। ये सांभर मसाला मैं घर पर बनाना आपको सिखा दूंगी। पानी मैंने डाल दिया इसमें टोटल डेढ़ गिलास, अब हम इसमें चार से पांच सीटी लगवाकर इसको बिल्कुल पतला कर लेंगे सॉफ्ट। थोड़ी सी इमली भिगोएंगे, इमली डलती है इसमें, मैंने इमली भिगो दी गाइस। और ये देखिए ये है सूखा हुआ नारियल, सूखे नारियल से मैं आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने पानी में भिगो दिया, देखिए वाइट होना शुरू हो गया। तो गाइस इसमें पाँच से छः सीटी आ गई हैं, मैं गैस को बंद कर दूंगी, ठंडा होने देते हैं कुकर, दाल खोल लेते हैं, अच्छी तरह से उबल गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इमली भिगोई थी इसको थोड़ा सा इस तरह से मैश करेंगे, इस तरह से डालेंगे इसमें हम, ताकि जो इसके बीज वगैरह हाथ में रह जाए। तो गाइज अब हम इसको तड़का लगाएंगे दाल को, तो एक से दो चम्मच हम सरसों का तेल डाल लेंगे। तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मोटी सरसों, एक लाल मिर्च तोड़ के डालेंगे, और थोड़े से डालेंगे कड़ी पत्ते। अब ये दाल इसमें मैं डाल दूंगी, ये देखिए गाइस बस एक उबाली आएगी दाल हमारी बन जाएगी, फिर इसको थोड़ा सा मैश करेंगे। क्या बना रहे हो मैं इसको? ना इडली बनानी थी बेटा। खाएगी खा लियो ऐसे ही बस, फिर दोपहर में कुछ बना लेंगे। तो अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे, दाल हमारी बन गई है, ये देखिए साथ में मैंने बनाई है इडली, टेस्टी टेस्टी इडली। इडली की रेसिपी मैंने पहले से डाली हुई है दाल, ये देखिए ये तरीका दाल बनाने का बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और सबसे आसान तरीके से बन जाते हैं, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। तो गाइज ये देखिए मेरी सांभर दाल चटनी और इडली बनकर तैयार हैं। आप बताइएगा आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये सारी रेसिपी गाइज मैं अपने होटल से सीख कर और आप लोगों को सिखा रही हूँ।